Hello guys, welcome back in ManVeer Zone. This is ManVeer. Today we are going to react on buying condom for the first time. By Harsh Beniwal. Yes. So Harsh Beniwal buying condom for the first time. Not possible. Yeah. ये एक्चुअल में ये बहुत ओपन एक मेरे को लगा ओपन मींस ये इतना ओपन ओपन टाइटल ऐसे टाइटल व्हाट आर यू डूइंग दिस ओपन 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 टाइटल है ओपन 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 टाइटल ओपन टाइटल मींस इसको लगाने के लिए शायद जिगरा चाहिए होगा भाई को जो भाई ने लगाया कि ये 18 प्लस एक कैटेगरी में भी नहीं डाला है और फिर भी रिस्ट्रिक्शन भी ना लगाकर ये चीज यूज कर ओके यार बाइंग कॉन्डम इट्स नॉट अ लाइक अ वेरी ब्लंडर थिंग कि ओके फाइन ठीक है समवन बाइंग कॉन्डम दे नीड इट्स मच नीडेड बट आप भी पैड्स जाके लेती हैं दैट्स टोटली ओके नहीं इट्स ओके बट मैं बोल रहा हूँ जैसे आज का सिनेरियो है ऐसा नहीं है देखिए हम आज जितने भी आगे चले गए हैं लेकिन सेम तो है मेरे हिसाब से उतना ही है कुछ अलग नहीं है फाइन बट नॉट सो लाइक वेरी यू नो वेरी यू नो ओ माय गॉड ये क्या बोलने वाली थिंग फॉर मी हाँ वो थोड़ा सा ओपन ओपन ओपननेस आई है सो लेट्स चेक इट आउट मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना मैं सुनो पापा मम्मा ना शादी में शाम 7 बजे शादी पे जा रहे हैं तो ना कल आराम से आएंगे तो मैं ना आज घर पे अकेली थी तो तुम शाम में आ जाना हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं मैं आ जाऊंगा अन्नी हाँ माँ क्या कर रहे अंदर साबुन लाऊं था मारी तो समझ में नहीं आ रहा ये साबुन लगा रहा है माँ बाप का चूल्हा आ रहा है नू तो नहाता नहीं और नहाता तो फिर बाहर नहीं आता जल्दी आ निकल बाहर आ गया अब कब तक चांद के चक्कर लगाओगे कभी तो नान करा दो मतलब अरे डफर मतलब शाम को ना कॉन्डम लेके आना अच्छा आ जाऊंगा ये नाम ही नहीं रहा है ये भी कंडम वो भी कंडम सारे कंडम रे नारे कंडम ये भी कंडम वो भी कंडम ये कौन है कौन ये पापा 20 रुपए चाहिए थे शॉप कॉन्डम्स ओनली 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 20 नहीं पापा 30 रुपए 30 रुपए कहूँ था आपने के 20 सुन गई किसने चाहिए भाई फॉर अनलिमिटेड सेक्स ग्रुप स्टडी पापा ग्रुप स्टडी करने जाऊँ था तो कॉपी चाहिए थी ग्रुप स्टडी इस टाइम ओ यस एनी टाइम एवरी टाइम पापा फिर रात ने विक्की ने जाना है बुआ के फ्री था वो ये प्रदीप खेरा है बहुत ही बढ़िया हरियाणवी का कैरेक्टर है मैं तो हरियाणवी वीडियोस बनाता भाई सही है बना लो माँ बाप का पागल थैंक यू पापा और ये सॉरी पापा ये हर्ष काफी अच्छे हरियाणवी बोल रहे हैं मेरी जैसे हरियाणवी बोल रहे हैं मुझे ऐसे लगा है ना देख नहीं तेरा मतना कॉन्डम लेना है खांचा थोड़ी लेना है जो इतना डर है नाम का जा दुकान वाले पे और बोल भाई रे भैया कॉन्डम थोड़ा रोबता मां रोबता भैया मना कॉन्डम दे दो कॉन्डम दे दो भैया मना कॉन्डम दे दो प्लीज कॉन्डम दे दो प्लीज आज जोड़ू भैया कॉन्डम दे दो कॉन्डम एक चॉकलेट फ्लेवर भैया दे दो भैया दे दो ठाकुर छोटू एक प्लेट कॉन्डम लगा दे किससे बात कर रहे हैं कुछ ना माँ कुछ कुछ ना करता एक प्लेट भाई साहब ये जब जर्नी होती है ना ऐसे बोलेगा अरे अन्नी भैया जानता है बढ़िया भाई आप जानते हो मुझे अरे बिल्कुल जानते हैं भैया आपके पापा के तो खास आदमी है हम अच्छा आपके बिल्कुल एकदम बढ़िया भाई आप बताओ कुछ चाहिए था क्या अरे नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो केमिस्ट पर मेरा क्या काम मैं तो नुए आ गया था टहलते टहलते क्या बात कर रहे हो अन्नी भैया दोपहर के 2 बजे दो बजे है क्या पता नहीं लगा टहलते टहलते ना तो इसलिए थैंक यू अब किसी और दुकान में जाना पड़ेगा कोई दूसरी दुकान देखनी पड़ेगी अरे दिक्कत हो जाएगी दिन दिन मिल गई दुकान का
और सीरियसली कहीं गलियों में गया हुआ है शायद, है ना, बादली बादली की गलियां हैं मेरे को लग रहा है, मतलब ये वही रहता है ना रोहिणी में। ओ लड़की से तो ये मांग ही नहीं पाएगा। मोटा है यार ये भी लड़का मेरे जैसे, ये गोलू मोलू नहीं मेरे भाई, बड़ी बड़ी डील ना ये, कंसंट्रेट कर कंसंट्रेट। हाँ कॉन्डम 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 कॉन्डम। क्या हो गया इस देश के यूथ को? नहीं मिलता सांडे का तेल मेरी दुकान पे। तू तेज चला ले अपने हाथ भैया। छोटे सामान निकाल दियो इनका जरा। कुछ नहीं हो रही आपको भैया? वो है जरा ना कोरिएंडर। कफ सिरप भैया, कफ सिरप ना चाहिए, वो चाहिए था आपको। पैकेट हुआ करा ना। कॉम्बी फ्लेम छोटू, एक कॉम्बी फ्लेम ले यार। कॉम्बी फ्लेम ना चाहिए मना, वो हुआ करा ना भाई। पिस्टल क्या वो थैली पन्नी छतरी रेनकोट कवच या साफ साफ बताओ ना चाहिए क्या? क्यों केबीसी खेल रहे हो मेरे साथ तुम? शहजादे की शेरवानी। कॉन्डम चाहिए हैं? कॉन्डम चाहिए इन भाई, कॉन्डम चाहिए इस आदमी को, कॉन्डम चाहिए। अरे यार छोड़ दे, कॉन्डम ले ले भाई के लिए। अभी आवाज नहीं आ रही मैं। कॉन्डम सुनाई नहीं दे रहा? सी ओ एन डी ओ एम भाई को चाहिए, इन भाई को। थैंक यू भैया, मैंने कॉन्डम चाहिए था, ले आओ अभी लाया आपके लिए। सबको बता दिया, अब अंकल आ गए क्या? छोटू ओ दो विक्स दे पानी ले लो। आप बेटे तुम अन्नी हो ना? नहीं नहीं अंकल, किसी बात कर रहे हो आप, मैं किसी अन्य अन्य ना जानता, सॉरी अंकल। बेटे सुनो, आप मेरी बात तो सुनो, इधर देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लाल जी के बेटे हो भाई साहब, सेक्टर 24 रोहिणी, आपके दो जोड़ी भाई बहन भी है पता है मेरे को। वो जो थोड़े गंजे से हैं? हाँ जी वही, भुंडी शक्ल है जिनकी बहुत ज्यादा। और जो बड़के रह गए मतलब? बिल्कुल करेक्ट ना, मैं ना जानता। बेटे सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं आपके घर पे आया था दिवाली पे, मैंने मिठाई दी थी आपको, हमने पटाखे चलाए थे, सामने वाली दादी की नाक में रॉकेट मारे थे हमने। अंकल कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो दिवाली पर था ही नहीं अड़ा, मैं तो अपनी नानी के जा रहा था, उड़ा फोड़े थे मैंने रॉकेट, जाड़ा नहीं। उसकी शक्ल तो सेम है मेरी जी, मैंने बेर आयो कहीं ना बताई थी कि मेरी शक्ल सेम है लड़के जी सी, सॉरी अंकल। ये रहा आपका चीकू फ्लेवर कॉन्डम। पहना के दूं? किसी बात कर रहे हो है? ये गंदी गंदी चीजें देने लग रहे हो, मैंने कौन कौन कॉर्नफ्लेक्स मांगे थे तम यो के छी, हे भगवान गंदा बुड्ढा। ठीक गंदा बुड्ढा क्या लिखा था कुछ? अरे ये यार ये कहाँ का है, देखा है देखा है, देखा देखा सा लग रहा है। याद नहीं आ रहा बट मुझे ना यार ये सीधी वाली रोड नहीं लग रही अभी, कुछ ही बोल देती है। अंकल मैंने कॉन्डम चाहिए। हाँ आपको कैसे पता लगा अंकल जी? अरे बेटे 1970 से मेरी इधर शॉप है, मैं चेहरा देख के बता तो बंदे को क्या चाहिए। इतनी आसानी से मिल गया अंकल, फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ जी छोटू भैया को 50 mg निकाल दो गोली। अरे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं साइज डजंट मैटर,
स्टेमिना में। ठीक है अंदर जी। सुनो मेरी बात जरा, एकदम ना जाते मेन कोर्स में नहीं उतरना, पहले आपको स्टार्टर समझ लो ना, आप स्टार्टर का मतलब फर्स्ट किस यहाँ पे, सेकंड किस यहाँ पे, पूरी फील ले रहा भाई, थर्ड यहाँ मतलब आप इधर भी कर सकते हो, फोर्थ में मैटर क्लिक्स। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच। और सुन इधर आओ, शर्माओ मत आप, पहले तो सेक्स एक ऐसी बॉडी नीड है कि हर इंसान को करना चाहिए, मतलब आए सेक्स, चाहे सेक्स, अभी सेक्स, बाद में सेक्स, उठते ही सेक्स, सोने से पहले सेक्स, सोने के बाद सेक्स, सेक्स करते वक्त सेक्स, सेक्स में सेक्स, बिकॉज़ इट्स सेक्स लाइफ। ठीक है अंकल जी, इतना काफी है, मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच। और आपको कोई मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, 24/7 मेरी अरोड़ा मेडिकल शॉप खुली है, तो मैं साथ भी चल सकता हूँ। कैसी बातें कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, मैं कुछ करूंगा नहीं टच, मतलब दूर से आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे करना है। भाई साहब देखते लिया करो यार, छाती में टक्कर मारी है पापा, हो गई वो ध्यान नहीं था ना इसलिए टक्कर लग गई, और ये ले आपका सामान। अरे भाई साहब अपना सामान ले लो। अरे भाई साहब मेरा नहीं है आपका होगा। अरे भाई साहब आपकी जेब से गिरा है तो आपका ही होगा ना। अरे कह दी जब मेरा नहीं है, आपने रखना तो रखो ना, तो फेंक दो इसने। कपड़े भी पहुंच गया एट लास्ट घर पे। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा आपने तो कहा था रिया और प्रियंका भी आ रहे हैं ग्रुप स्टडीज के लिए। हाँ मम्मा वो आ रहे हैं, डोंट वरी। अरे अनिकेत बेटा आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ओ नहीं आंटी, वो मैं एकदम से ना मेन कोर्स नहीं खाता, पहले थोड़ा स्टार्टर खा लेता हूँ। अरे आप कहाँ रह गए, जल्दी आइए, कितना लेट कराते हैं सब। वो मना कर देगा मेरे जाने का, कोई शॉप वाला है। धरती पुत राम ताप टपे सम ताम सुत राम वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो का अच्छा पार्ट क्या था, अगर आपको बुरा लगा तो वो भी बताएं, कोई भी फीडबैक हो वो जरूर बताएं ताकि हमें इंप्रूव होने का चांसेस मिले। एंड गाइस 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, जिसके अंदर हम अवेयर करेंगे लोगों को कि एड्स कैसे ना फैले। तो गाइस मेक श्योर आप कॉन्डम यूज करें, प्रोटेक्शन यूज करें, ताकि आपको STDs ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो इट्स फाइन टू यूज कॉन्डम, और कोई शर्म नहीं है इसके अंदर कॉन्डम मांगने में। तो बेझिझक मांगे, जैसे सैनिटरी पैड मांगते हैं उसमें कोई शर्म नहीं है, ऐसी कॉन्डम में भी कोई शर्म नहीं है। खुल के जाओ दुकान वाले भी बोलो मुझे कॉन्डम चाहिए, कॉन्डम कॉन्डम। दोस्तों यार ये थी वीडियो, काफी जो ट्विस्ट दिखाया ना मजा आ गया, मुझे पता चल गया था जैसे वो फेस पे जब देखा उसके फादर, मैं समझ गई थी ये पक्का मेडिकल शॉप वाला है। मतलब यार वो जिसने एक्सप्लेन किया सब कुछ, और वही मुझे लगता है वहां से उसके भाग जाना चाहिए था लड़के को। और बाकी जैसे वो एक प्लेट, मतलब प्लेट दो ये दो, काफी अच्छी कॉमेडी थी काफी इसके अराउंड। और आई डोंट थिंक आजकल के यंगस्टर्स में इतनी हेजिटेशन है, बट फिर भी आप ज्यादा बेटर बता सकते नहीं ऐसे जरूरी, मैं क्यों बेटर बताऊं, मैं तो अभी खरीदूंगा, आपसे खरीदा नहीं ना। जस्ट किडिंग, मैं पता नहीं यार खरीद पाएंगे नहीं खरीद। फ्यूचर मेरा भी सेम ही होगा, बट पापा भी देख ले, बहुत लगे ओ पापा वीडियो देख रहे।
एनीवेज ये सब मजाक था. देखिए जो चीज़ नेचुरली है बॉडी नीड्स है डैट वॉज फुलफिल्ड, बट एक टाइम पीरियड होता है आप उसी टाइम पर ये सब चीज़ें करें ज़्यादा बेटर रहता है. बिफोर मैरिजेज दीज आर नॉट अलाउड राइट. बट यहाँ पे बात कॉन्डम की हो रही है और बात ये है कि प्रोटेक्शन इज वेरी मेन. तो ये बात मैं ये बोलना चाह रहा था, क्रॉस इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है गाइस, तो बेटर है हम लोग प्रोटेक्शन यूज करें. और ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है. और जैसे कि बात की कि हेजिटेशन, तो आई डोंट थिंक सो आजकल बोला जाता है कि इन मैसेजेस को जितना आप लोग जितना अवेयर कर सको लोगों को इसके बारे में वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना हम लोग इन चीजों पे प्रोटेक्ट करेंगे हमारी हेल्थ के लिए और फॉर लाइफ लॉन्ग के लिए ज्यादा आई थिंक बेस्ट रहेगा. सो दोस्त यार हर्ष बेनी वाले अमेजिंग मैसेज के साथ अमेजिंग वीडियो बना दी है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सजेशन. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे रिएक्शन पसंद आया और कुछ भी पसंद आया, डू व्हाट्स अ रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक अ वीडियो शेयर अ वीडियो इफ यू सब्सक्राइब अ चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन. भाई साहब मुंह में थूक के बोलू कुछ ऐसा लगा मुंह में कुछ फंस रहा हूं मेरे. भाई साहब मैं तो ये बात भूल गया कब ठीक होगा कब ठीक होगा. हां और पता मेरे को है ना मैं ये चीज लग रहा था कि ना इस वीडियो में भाई ने रियानी बहुत बढ़िया बोली. भाई साहब मैं मन लग रहा था जोकर मैं बोल रहा हूँ जोकर मैं थोड़ी बहुत बोलूँ अनु ये थोड़ी बहुत भाई बोल रहा था पूरी पूरी तो आती नहीं लेकिन अनु ये थोड़ी बहुत काम चला रहा था भाई भी नुए बात नहीं ना काफी अच्छी मतलब नहीं अच्छी यूज़ करते नहीं अच्छी हाँ मतलब भी मुझे काफी मतलब सही काफी तो नहीं इतना नहीं है बट थोड़ा बहुत है जैसे भाई ने बोला बस इतना ही आवा हमने भी बाकी बढ़िया. भाई साहब हरियाणा ना बड़ा चढ़ाओ और आगे बढ़ाओ आगे एक दिन मैं हम भी हरियाणा में जाके है ना भाषण दिखाऊंगे वो अमेरिका के ऊपर चढ़ गया ठीक है हरियाणा में वो भी ऐसा okay. कुछ काम करना है okay. लली शौकीन तक कर रहा है भाई साहब हम भी करेंगे. सो टिल देन अगर कोई क्वेश्चन है ये सब पूछ कर दीजिए ना. सो बाय टेक केयर सेल्फ साइनिंग आउट.